नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव की टीम जो है हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए रखती है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक ओर जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्यसभा जाने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करते ही नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो आपके सामने तो आई ही होगी, भारत लाइव की टीम ने आप तक पहुंचाई। लेकिन बिहार के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है। आपको याद होगा किस तरह से 15 नवंबर को अचानक से उनका नाम जो है सामने आया था, जिसके बाद मीडिया जगत से लेकर के राजनीति के बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं वो सभी हैरान रह गए थे। तारकिशोर प्रसाद का नाम कैसे आया इस पर भी उन्होंने खुलासा किया है। लेकिन हम और चलते हैं किस तरह से राजनाथ सिंह जो हैं बिहार दौरे पे आए थे, जिसके बाद से आपको बता दें कि कामेश्वर चौपाल का नाम चर्चा में चल रहा था। इसके साथ ही तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनका भी नाम जो है सामने चल रहा था। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा का जो दलित चेहरा है वो उप मुख्यमंत्री पद पे आएंगे, दलित वाला फैक्टर भाजपा खेलेगी। ये सारी बातें जो है अंततः आकर के दो उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही इन सारी बातों पर, सारे कयासों पर जो है विराम लग गया। लेकिन अब जो है जो भाजपा के जो नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम है, बिहार के नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये अक्सर ये आरोप लग रहा था कि उनके जो हैं सुशील मोदी से बेहद अच्छे संबंध थे, सुशील मोदी के साथ उनकी दोस्ती थी, जिसको लेकर के उनकी जो है पैरवी हुई है, पैरोकारी हुई है, और इनके बाद वो जो है उन्हें जो है आनन फानन में उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन इन सब बातों को नकारते हुए उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी से भले ही हमारे अच्छे संबंध हों, लेकिन हमारा नाम जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, इसमें सुशील मोदी जी का कोई भी हाथ नहीं है। सुशील मोदी जी के किसी भी प्रकार के जो हस्तक्षेप से उन्होंने इनकार किया, उन्होंने सीधे कहा है ये भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उनका नाम तय किया है बिहार के उप मुख्यमंत्री पद के लिए। साथ ही साथ उन्होंने उनके ऊपर जो है बहुत सारे आरोप लग रहे थे, कम शैक्षणिक योग्यता का आरोप लग रहा था, इसका भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि हमने अपना लंबा समय जो है वित्तीय विभाग में दिया है। वित्तीय विभाग की बात करें तो उन्होंने कहा वाणिज्य संस्थानों में हमने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि हमारे पास आने वाले समय के लिए जो वित्त विभाग की हमें जिम्मेदारी मिली हुई है, और उन पे जो आरोप लग रहा था कि कम शैक्षणिक योग्यता के बावजूद उन्हें वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण जो है वो जिम्मेदारी दे दी गई है, महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया गया, महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया, उसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं जो हूं बिहार के बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में सभी दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं, और आने वाले समय को लेकर के बिहार की जो भी वाणिज्यिक की जो विधि व्यवस्था होगी उसको लेकर के बहुत सारे जो है रोड मैप है जिस पे मैं काम कर रहा हूं और आने वाले समय में भी काम करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने जो है सारी बातों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कही, एक तरफ सुशील मोदी राज्यसभा भेजे जाने थे, सुशील मोदी को राज्यसभा भेजे जाने के लिए नामांकन की प्रक्रिया हो गई, इसके बाद उन्होंने सारे मसले पर चुप्पी तोड़ते हुए तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सुशील मोदी के साथ उनके संबंध भले ही अच्छे हो लेकिन सुशील मोदी के कारण उन्हें जो है उप मुख्यमंत्री का सीट नहीं मिला है, उन्हें जो है ये सीट भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने, भाजपा का जो सेंट्रल नेतृत्व है उन्होंने अपने जो डिसीजन के अनुसार उन्होंने अपने भीतर जो है भीतर खाने में चर्चा के बाद जो है उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया है, यानी कि विधायक दल का नेता उन्हें बना करके बिहार में स्थापित किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।